आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे गर्मियों में अपने बालों का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में धूप, मिट्टी, धूल प्रदूषण के कारण बाल जो है बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, डैंड्रफ भी होने लगते हैं बालों में, और उसके बाद स्प्लिट एंड्स भी हो जाते हैं। तो इस गर्मियों में सारी महिलाओं को जो है, इनफैक्ट पुरुषों को भी जो है, बालों के जो प्रॉब्लम है इससे जूझना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे टिप्स के बारे में, ऐसे आप कह सकते हैं हेयर मास्क के बारे में, जो कि आपके बालों को इस गर्मियों में हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में, डैंड्रफ फ्री रखने में हेल्प करेगा। तो आइए हम जानते हैं 5 ऐसे मास्क के बारे में, हेयर मास्क के बारे में, जो कि इस गर्मियों में आपके बालों को सुंदर बनाए रखने में कारगर साबित होगा। कैसे बनाए यह हेयर मास्क? नारियल तेल हेयर मास्क। सबसे पहले एक कटोरी ले, उसमें 4 बड़े चम्मच नारियल तेल, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाए और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगाए और 20 मिनट तक रहने दें। इसके बाद शैम्पू और कंडीशनर कर ले। यह मास्क आपके बालों को चमकदार, मजबूत, काले और डैंड्रफ फ्री बनाता है, साथ ही बालों के रूखेपन को भी दूर करता है। केले का हेयर मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में एक केला ले, उसमें 1/2 चम्मच हनी, साथ ही 2 चम्मच नारियल ऑयल और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाए और सारे चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर ले और इनको अपने बालों में लगाकर 25 मिनट के लिए छोड़ दे। फिर अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर कर ले। आपको बता दें कि केला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बालों को इससे पोषण मिलता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और हनी बालों को सॉफ्ट बनाता है, या यूँ कहे कंडीशनर करता है। इस मास्क के इस्तेमाल से आपके बेजान बालों में भी जान आ जाएगी। एग हेयर मास्क। सबसे पहले 2 अंडा ले, उसमें एक कटोरी में उसे फोड़ दें, उसमें 1/2 चम्मच हनी मिलाए और 2 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाए। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला ले। फिर इस मास्क को अपने बालों पर लगाए और एक शावर कैप से अपने बालों को कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अंडे में काफ़ी प्रोटीन होता है, जो बालों को मजबूत बनाता है, जिससे बाल कम झड़ते हैं, साथ ही कैस्टर ऑयल बालों को चमकदार और घना बनाने में हेल्प करता है। यह मास्क इन शॉर्ट आपके बालों का झड़ना कम करता है और उसे मजबूत और घने बनाता है। दही हेयर मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए 1/2 कटोरी दही ले, उसमें 1 चम्मच हनी और 2-2 चम्मच ऑलिव ऑयल और नारियल तेल मिलाए और सारी सामग्री को अच्छे से फेंट ले। फिर इसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाए और 30 मिनट बाद हल्के गुनगुने गर्म पानी से बालों की सफाई कर ले। दही बालों के डैंड्रफ से बचाने में काफ़ी कारगर साबित होता है, या यूँ कहे कि दही डैंड्रफ का रामबाण इलाज है। इसके साथ ही यह मास्क आपके बालों को नेचुरल शाइन प्रदान करता है। एलोवेरा हेयर मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए 1 कटोरी में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें, उसमें 2 चम्मच नारियल तेल मिलाए और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाए। इन सबको अच्छे से फेंट कर अपने बालों की जड़ों में लगाए और 20 मिनट बाद अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर कर लें। यह मास्क बालों के लिए अमृत जैसा काम करता है। यह बालों की नेचुरल सुंदरता बनाए रखता है, उसके नेचुरल शाइन को बरकरार रखने में भी यह काफ़ी कारगर साबित होता है। इसके साथ ही आपके बालों को घना, सुंदर और मजबूत भी बनाए रखता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया बालों का ख्याल कैसे रखना है आपको, और हेयर मास्क के बारे में आपको बताया, जो कि आपको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना है, और अभी कोरोना का वक्त है तो आप सब ज़्यादा वक्त जो है अपने घर पे बिता रहे हैं, तो आप आराम से इस मास्क को बनाइए और अपने हेयर पे जो है इसको लगाइए, यूज़ करके देखिए ये मास्क कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है आपको यूज़ करने के 1 से 2 महीने में दिखने लगेगा। तब तक के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करें, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सरकार द्वारा बनाए गए सारे नियमों का पालन ज़रूर करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।